नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट और आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 24 और यानी 24। वही है कॉस्ट अकाउंट। अभी मैं इसे फ्रेम में दिखा नहीं सकता, ये दिख रहा था बहुत। ये कॉस्ट अकाउंट है और स्वाति प्रकाशन चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 है। और थोड़ा सा शोर हो तो बेयर करना थोड़ा सा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घर में छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे अपना आता रहता है शोर, तो पढ़ने की कोशिश करना। यहाँ लिखा हुआ है चिराग लिमिटेड। चिराग लिमिटेड रिक्वायर 1000 यूनिट ऑफ मटेरियल ए ऑन एन एवरेज फॉर अ वीक विच इज़ परचेज एट अ प्राइस ऑफ 30 रुपीज़ पर यूनिट। यानी चिराग लिमिटेड को जो ज़रूरत पड़ती है वो एक वीक के लिए तो 1000 है, एक वीक के लिए कितना है 1000, और 30 रुपये यूनिट के हिसाब से होता है। और फिर लिखा है द ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दे रखा है इसमें, 150 रुपये पर परचेज ऑर्डर। हाँ, तो एक ऑर्डर के लिए 150 रुपये खर्च होते हैं। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है अमाउंटेड टू 6 रुपीज़ पर वीक, मतलब 0.06 है, तो मतलब 6 पैसे बोलूँगा मैं तो से एक वीक के लिए। अब नोटिस करो कि आपका रिक्वायरमेंट भी एक वीक का दे रखा था, ये खर्चा भी वीक के लिए दे रखा है, लेकिन हम एनुअल रिक्वायरमेंट लेते हैं। अगर EOQ निकालना हो, यहाँ लिखा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, तो उसके लिए एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए। तो अगर ये वीक के हिसाब से दे रखा है तो साल भर में कितने वीक होते हैं, 52। हाँ, तो हमें 1000 × 52 करना पड़ेगा। और CH को भी, हमारा CH क्या होता है, पर यूनिट पर एनम होता है, तो ये पर यूनिट तो है लेकिन पर एनम निकालने के लिए 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आ जाएगा हमारे पास। रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें ऐसा चीज़ नहीं दे रखा था, मिनिमम मैक्सिमम दे रखा है, तो हम पुराने वाले फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीऑर्डर पीरियड है 1 से 3 वीक, ये मिनिमम टाइम हो गया, ये मैक्सिमम टाइम हो गया, दोनों को प्लस कर 2 से डिवाइड करोगे तो नॉर्मल टाइम आएगा। एंड द वीकली यूसेस ऑफ मटेरियल ए दे रखा है, ए के लिए वेरीज फ्रॉम 750 से 1250। 750 आपका मिनिमम यूसेज हो गया और ये हो गया मैक्सिमम यूसेज, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल यूसेज आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, निकालना क्या क्या है ये देखो, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये देखो, हमने बताया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, रीऑर्डर स्टॉक लेवल निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है। तो इसे अभी सॉल्व करते हैं और इन सब के लिए पुराने फॉर्मूले लग जाएंगे, अल्टरनेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अभी सॉल्व करके दिखाते हैं आपको जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर जाएगा 24वां, ये 24वां होगा हमारा 24th। और उसके लिए हमें पहले निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हमें चीज़ चाहिए आर चाहिए, आर हमारा 1000 यूनिट पर वीक था, तो 52 हफ्ते के लिए 52 से मल्टीप्लाई करो, साल में 52 वीक होते हैं, तो 52,000 यूनिट हमारी आर हो जाएगी। पी हमारी कितनी थी, पी हमारी थी 30 रुपये पर यूनिट। सीपी हमारा दे रखा है इसमें 150 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से। सीएच हमें दे रखा है 0.06 पर वीक, तो वीक होते हैं 52, तो मल्टीप्लाई करो 0.06 × 52 और ये आ जाएगा 3.12, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद हमें ईओक्यू चाहिए, ईओक्यू निकालने के लिए √2 × r × cp/CL, ठीक है। तो अभी अंडर रूट निकालते हैं, 2 × r, r तो हमारा 52,000 था, इंटू करते हैं सीपी, सीपी हमारा 150 दे रखा है, सीएच हमारा कितना है 3.12, ठीक है। अरे गुड़िया, आराम से खेलो, आराम से पढ़ाई कर लेने दे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 × 52,000 दिख पा रहा होगा इसमें भी, हाँ 52,000 मल्टीप्लाई किया 150, डिवाइड करेंगे 3.12 से, तो ये आया कुछ अमाउंट 500000 और 00। अंडर रूट दबाते ही अरे पॉइंट में आई है बेटा, 2236.067। तो मैं इसे 7 तक ले सकता हूँ लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बदलेगा, 2236 के आसपास रहेगा, राउंड ऑफ लेते हैं। तो अब आंसर चेक करते हैं कि सही जा रहा नहीं जा रहा, तो आंसर आपको दिखा दूं तो 2236 लिखा हुआ रहता है, ठीक है। हम इतने ही यूनिट अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारा 2236 यूनिट आ चुका है और यही हमारा आंसर था, राउंड ऑफ हमने कर लिया। इसके बाद पूछा गया हमसे, कौन सा वाला पॉइंट पूछा गया था, ये पूछा गया हमसे रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, सेकंड पॉइंट पूरा दिख रहा है इनको, हाँ दूसरा रीऑर्डर स्टॉक लेवल। अब हमें कोई पुराना फॉर्मूला लगाना है वैसे तो कुछ नहीं, सिचुएशन सारी पुरानी वाली दे रखी है,
तो क्या लिखते थे, मैक्सिमम रेट ऑफ इज यूसेस इनटू माइनस मैक्सिमम लीड टाइम, लीड टाइम, है ना। तो अब मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज कितना होगा, ये मैं दे रखा था, दो तरह की यूसेज दे रखी थी, 750 से 1250 1250, है ना, ये मैंने दे रखा मैक्सिमम, था। और ये 1250 वीकली था, क्या था, वीकली था, एक वीक के हिसाब से था। तो मैक्सिमम कितना, 1250। तो हम लिखेंगे 1250 इनटू मैक्सिमम टाइम कितना था, मैक्सिमम टाइम दे रखा इसमें थ्री 1 से 3 वीक, तो 3 हम इसमें ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते ही सैंतीस 1250, सौ हाँ पचास बिल्कुल 3 से 3750 आ जाएगा, जो कि आंसर है 3750 यूनिट। ठीक है, फिर आता है थर्ड नंबर इसका जो पूछा गया हमसे, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम बता बेटा, मिनिमम मिनिमम स्टॉक स्टॉक लेवल का लेवल, फॉर्मूला याद है, पुराना वाला, हाँ रीऑर्डर रीऑर्डर लेवल 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 माइनस माइनस नॉर्मल रेट ऑफ यूज नॉर्मल रेट ऑफ इनटू यूसेस नॉर्मल रियल टाइम नॉर्मल लीड टाइम लीड टाइम टाइम। ठीक है, रीऑर्डर रीऑर्डर हमारा लेवल बाईस से सैंतीस, छत्तीस नहीं 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 ये सैंतीस सौ सैंतीस पचास सौ पचास देखो ये लेवल है, वो रीऑर्डर क्वांटिटी बन सकती है वैसे तो। नॉर्मल रेट ऑफ यूसेज कितना आएगा, नॉर्मल के लिए आपको इन दोनों को मिनिमम मैक्सिमम को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये जोड़ते ही 2000 दो होगा, 2000 का हजार आधा होता है 1000, तो 1000 इनटू टाइम का आधा करना होगा जोड़ के, दो तो 1 1 + 3 डिवाइड बाई टू टू यानी दो, तो ये हो जाएगा 3750 सैंतीस माइनस 2000 सत्रह यानी कि सौ पचास 1750 यूनिट। ठीक है, 1750 1700 आ गया आंसर भी, चलो मैच कर गया। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपके लिए रुका हूँ अभी, है ना, क्योंकि कई बार होता है कि वीडियो रेंडर होते समय क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो इसलिए आप रुका हूँ, आराम से नोट कर लेना। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया को पॉज करके, आप इधर चलते हैं साइड में, तो फिर भी इतना थोड़ा दिखाई दे रहेगा, बाद में कॉपी से कर दूंगा। फोर्थ पॉइंट हमसे पूछा गया कौन सा, मिनिमम का मैक्सिमम लेवल पूछ रहा है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है, बोल बेटा, मैक्सिमम रीऑर्डर प्लस रीऑर्डर लेवल प्लस लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वांटिटी रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस माइनस मिनिमम। मिनिमम रेट ऑफ यूजेस इनटू मिनिमम लीड अब टाइम भूलोगे तो नहीं ना, नहीं मिनिमम रेट ऑफ यूज यूसेज इनटू इनटू मिनिमम लीड टाइम लीड टाइम। देखो ये रीऑर्डर पीरियड है, एक ही क्वांटिटी चीज है, लीड। रीऑर्डर था हमारा सैंतीस ठीक सौ है, पचास अब देखो रीऑर्डर लेवल की बात करें तो रीऑर्डर लेवल तो था 3750, जो यहाँ पर मैं उंगली रखा हाँ हूँ, रीऑर्डर क्वांटिटी 2236 3750 प्लस छः बाईस बाईस सौ सौ छत्तीस छत्तीस माइनस माइनस मिनिमम मिनिमम रेट कितना ऑफ था, यूजेस मिनिमम था 750 था ना, हाँ जी 750 और टाइम था 1 1 वीक था ना मिनिमम हाँ टाइम। जी तो अभी हम इसे प्लस करेंगे, 3750 प्लस 2236, तो 5986 माइनस 750, 750 माइनस किया तो आएगा हमारा बावन छत्तीस 5236 यूनिट। आंसर चेक करते हैं, तो आंसर हाँ जी बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आंसर आपको दिखा भी देता हूँ, आप देखो, और ये लिखा हाँ ये 5236 लिखा ना, आप इसे आराम से बैठ के नोट करना। तो यहाँ तक क्वेश्चन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 24 तो हो गए, 25वां वही 23 जैसा है, होमवर्क दे रहा हूँ बच्चे को, आप भी करने की कोशिश करना, अदरवाइज देखते हैं वीडियो बनाए ना बनाए, बहुत बना दी मैंने, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेंगे, सेम है बेटा है, होमवर्क ले जाना, वरना कल आए तो कल करा देंगे, वरना तो नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, नेक्स्ट टाइम, ये होमवर्क है, अपनी चैलेंज है, इतना सिखा दिया तो एक क्वेश्चन तो आपकी तरफ से बनता है। ठीक है, बाय बाय, और चैप्टर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना सभी दोस्तों से, और सब वीडियो फ्री हैं, लेकिन फ्री वीडियो कब तक मिलती रहेंगी, उसके लिए आप सपोर्ट करते रहिए, मेंबरशिप ले सकते हैं, टॉप सपोर्टर बन सकते हैं,
उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बस आप अपने चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, बस ये सब ध्यान दीजिए, और इसी सपोर्ट की वजह से हम फ्री वीडियो बना पा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।